नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों, आज का दिन है 31 जनवरी 2022 का और मैं आपको जो स्थिति बता रहा हूं 9:45 की आवकों की स्थिति आप सभी किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, एक और निवेदन है आपसे, आप मंडी आए या ना आए ये निर्णय आप खुद लीजिएगा, बाकी मैं आवकों की स्थिति आप सभी किसान भाइयों को बता रहा हूं। और माल वगैरह आपका पूरी तरह से लहसुन तैयार हो गई है तो मंडी के लिए लेकर निकल सकते हैं। अगर आप मंडी के लिए दोपहर के 12 बजे तक भी अगर आप मंडी में आते हैं दोस्तों, तो पूरी तरह से आपका नीलामी कार्य पूरा हो जाएगा। बात करता हूँ आंखों की स्थिति, तो आज जो आंखें हमें देखने को मिली हैं अभी की स्थिति में, तो 2000 से लगभग 2500 कट्टों की आवक अभी की स्थिति में हमें देखने को मिली है। मैं आपको पूरे फील्ड साइड में भी घुमाऊंगा किस प्रकार से आवक हमें आज की देखने को मिली है, 9:45 बजे की स्थिति है। जानकारी और मेरी सेवा अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधी और साथी किसान भाई तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि आप सभी किसान भाई ऐसे ही रोजाना की अपडेट डेली पा सकें, ताकि आपको मंडी आने या ना आने का आप खुद निर्णय ले सकते हैं और अपने माल का बेहतरीन दाम भी पा सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं अब कि यहाँ की फील्ड साइड में मैं घूमकर आपको यहाँ की जानकारी बताता हूँ कि किधर स्पेस खाली देखने को मिल रहा है अगर आप मंडी के लिए अब निकलते हैं तो। दोस्तों, ये स्थिति जो मैं आपको अभी की बता रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, अधिकतम लाट जो मंडी के अंदर हमें देखने को मिली है 4-5 बोरी से ज्यादा है, बाकी इक्का दुक्का हो सकता है कि लगभग 10 से 15% 1-2 बोरी के लाट हमें देखने को मिले हैं, लेकिन अधिकतम लाट जो है 5 बोरी से ज्यादा वाले लोट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आवकों की स्थिति ये रही आज की जो हमें देखने को मिल रही है। ये सभी साथी किसान भाई जो मैं आपको यहाँ की अपडेट प्रदान कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा कि मैं जो जानकारी प्रदान कर रहा हूँ ये सीधे लाइव मंडी से जानकारी प्रदान कर रहा हूँ या नहीं। दोस्तों, सभी किसान भाइयों से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जो मंडी से मैं जानकारी प्रदान कर रहा हूँ तो ये मंडी में खड़ा हूँ या नहीं। बिल्कुल खड़ा हूँ, यहीं पे खड़ा हूँ। मंडी से जानकारी आप सभी किसान भाइयों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बिल्कुल लाइव मंडी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी जो मैं आपको सभी किसान भाइयों के साथ में मैं मौजूद हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ की जानकारी आप सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दोस्तों, जिस प्रकार से आप यहाँ की स्थिति देख पा रहे हैं, ये जो फील्ड साइड है ये पूरी तरह से फुल हो चुकी है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ की स्थिति के माध्यम से। लेकिन जो स्पेस हमें देखने को मिल रहा है आप देख पा रहे होंगे, तो एक पिकअप तो सामने की तरफ मुझे देखने को मिल रही है, वहां पर थोड़ा स्पेस हमें देखने को मिल रहा है और थोड़ा बहुत और स्पेस है जो इस साइड के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपकी लहसुन पूरी तरह से कटकर फिनिशिंग होकर पूरी तरह से तैयार है और आप मंडी के लिए निकलना चाहते हैं दोस्तों, और आप चाहते हैं कि हम थोड़ा और लेट जाएं मंडी के लिए तो अच्छा रहेगा, तो आप लेट भी अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आप अभी तक मंडी में कभी भी बासी माल नहीं रहा है दोस्तों, जब तक मंडियां नई लहसुन की चालू हुई है उससे लेकर अभी तक। तो अगर आज भी अब भी अगर मंडी में आप निकलते हैं दोस्तों अभी के लिए भी, तो मंडी में आपका नीलामी कार्य पूरी तरह से पूरा हो जाएगा और शाम तक आप अपने घर भी जा सकते हैं। दोस्तों, ये स्थिति अभी की बन चुकी है, और अगर आपका माल कटकर फिनिशिंग होकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है तो मंडी लाने में भी आप सभी किसान भाई देरी ना कीजिएगा, क्योंकि गीला माल का उतना अच्छा दाम नहीं मिल रहा है बल्कि सूखा माल का बढ़िया दाम पर बिकते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास में नई लहसुन अभी खड़ी है और पूरी तरह से पककर तैयार नहीं हुई है तो आप 2-3 दिन वेट कीजिएगा, अपने माल को पूरी तरह से पकने दे, उसके बाद में ही उसे उखाड़े। दोस्तों, यह आपको की स्थिति पूरी जो मैंने आपको बताई है जो आप देख पा रहे हैं, बाकी आप मंडी के निकलते हैं तो भी आराम से आप बिक्री का कार्य पूरा हो जाएगा। आवकों की स्थिति लगभग 2000 से 2500 कट्टों की आवक अभी की स्थिति में हमें देखने को मिली है, बाकी थोड़ा 19-20 हो सकता है। मैं आपको अनुमानित जानकारी किसान भाइयों को प्रोवाइड कर रहा हूँ।